मैं बताती हूँ आपको सच है कि नीरा घुमा फिरा के बातें मत करो, मुझे सीधे सीधे सच बताओ क्या है। हाँ ये सच है कि नव्या माँ नहीं बच सकती। और मुझे ये बात पता थी, लेकिन बीरी मुझे नहीं लगा कि ये बात इतनी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मुझे नहीं लगता इससे कोई फर्क पड़ना चाहिए। और ऋत्विक नव्या से बहुत प्यार करता है, ऋत्विक भी ये बात जानता था, और ये बात जानने के बाद भी उसका प्यार नव्या के लिए कम नहीं हुआ, वो उसे उतना ही प्यार करता है जितना पहले करता था। तो मुझे नहीं लगा कि इसमें कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। ऑन द कॉन्ट्ररी हमें तो प्राउड फील करना चाहिए ना ऋत्विक की सोच को लेकर। और इसमें तो आप ही की अपब्रिंगिंग है कि आज ऋत्विक इतना समझदार है, इतना मच्योर है। नहीं मॉम, मैं नव्या से बहुत प्यार करता हूँ, पर आजकल के टाइम में तो ये सब चीजें मैटर ही नहीं करती, और मेरे लिए तो बिल्कुल भी नहीं करती। आप ओवर रिएक्ट कर रहे हो, इट्स नॉट अ बिग डील। भरत नव्या का बच्चा है और अब मेरा भी बच्चा है, और आपका ग्रैंडसन, आपको तो खुश होना चाहिए। बीडी 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 क्या हुआ? बीडी नव्या, आपने सच छुपाया हम सबसे। बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने मीरा जी, जो आपकी दोस्ती को कबूल किया मैंने। बीडी 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 ओह माय गॉड, बीडी उठिए उठिए। बीडी क्या कर रही है? आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही मुझे। मैं दवाई देती हूँ आपकी। ये लीजिए आपकी बीपी की दवा, प्लीज लीजिए। दिखावा बंद करो ये नाटक। मॉम, अरे आराम से। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी उस बांस से मेरी बेटी की शादी करवाने की? यही चाहती थी ना तुम खुशाब? बीडी आप ये क्या बोल रही हैं? डोंट कॉल मी बीडी, मर गई तुम्हारी बीडी। कोई रिश्ता नहीं है मेरा तुम्हारा। मेरे बेटे की लाइफ बर्बाद कर दी तुमने, कितनी बड़ी धोखेबाज हो तुम। बीडी आप ऐसा कैसे बोल सकती हैं? मैं ऐसा क्यों करूंगी भला? आप इतनी नफरत क्यों करती हैं मुझसे? मैं आपके बारे में ऐसा कभी सोच भी नहीं सकती। आखिर खून का रिश्ता है हमारा, सगी बहन हो आप मेरी। सगी बहन? हाँ? काम तो
जो तुमने सोतेली बहनों जैसा किया है उस बांझ से तुमने मेरी बेटी की शादी करवा ली ताकि परमार वंश आगे ना बढ़ पाए, हमारा परिवार खत्म हो जाए। मैं अच्छे से जानती हूँ तुमने ऐसा क्यों किया। मेरी सालों से कमाई हुई मेहनत को तुम अपने तिवारी परिवार में बदल सको ताकि। मैं तुम्हारे इरादे अच्छे से जानती हूँ, तुम्हारे इरादे भी तुम्हारी नीयत भी। यही चाहती हो ना तुम? हाँ यही चाहती हो ना? हाँ यही चाहती हो ना? बीडी आप क्या कर रही है? सामान क्यों तोड़ रही है? चीजें टूटने की इतनी परवाह है तुम्हें और रिश्तों के टूटने का बिल्कुल डर नहीं है? मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं जानती हूँ क्यों किया तुमने, क्योंकि जलती हो तुम उससे। आज से नहीं, बचपन से जलती आ रही हो, मेरे परिवार से, मेरी शादी से, मेरे बच्चों से, मेरे बिजनेस से। बहुत बड़ा धोखा दिया है तुमने मीरा मुझे। मैं हमेशा मुझे ये कहा ना कि मेरी वजह से तुम्हारी शादी नहीं हुई, इसी बात का बदला लिया ना तुमने मुझसे मीरा, है ना? वाह मीरा वाह, क्या परफेक्ट प्लान बनाया। आज तक का ये मास्टर स्ट्रोक था ये तुम्हारा। सीरियसली बहन हो ना तो तुम्हारे जैसी। पर तुमने सोचा नहीं जिस भरत को तुम परमार इंडस्ट्री की गद्दी में बिठाना चाहती हो वो किसका खून है? वो खून तिवारी परिवार का है। हाँ, अब परमार इंडस्ट्री को नए ओनर्स जो मिल गए हैं ना, मुकुंद तिवारी और उनकी नई नवेली दुल्हन मीरा तिवारी। यही चाहती थी ना तुम? यही प्लान था ना तुम्हारा? वाह मीरा, वेल डन मीरा, वेल डन। बस पीडी, बस। मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि आपके मन में जो आएगा आप बोलती चली जाएंगी और मैं सुनती जाऊं। ऐसा कुछ नहीं चाहती हूँ मैं, कोई प्लान नहीं है मेरा, कोई चाल नहीं चल रही हूँ, बल्कि चाल तो आप चल रही है बीडी। सुन ली थी उस दिन मैंने आपकी सारी बातें, कैसे आप इस आदि के साथ मिलकर साजिश रच रही है मेरी और मुकुंद जी की शादी को तोड़ने की। और आप सिर्फ मेरी शादी नहीं तोड़वाना चाहती, आप नव्या और ऋत्विक का रिश्ता भी तोड़वा देना चाहती है, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। क्या बकवास कर रही हूँ, मैं तुम्हें अच्छे से समझती हूँ। अब तुम्हारी चोरी पकड़ी गई तो अब तुम मुझ पे ब्लेम कर रही हो? ना मैंने कोई चोरी की है, ना मैं कोई इल्जाम लगा रही हूँ। मैं जो कह रही हूँ वो बिल्कुल सच है और ये बात आप अच्छी तरह से जानती है, और जो बात मैं कह रही हूँ उसका प्रूफ भी है मेरे पास, देखना चाहती है? देख लीजिए। 10 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट होता है, मैं ये तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार हूँ, पर अक्की को तुम्हारी लाइफ से जाने के लिए नहीं, बल्कि मीरा की लाइफ से मुकुंद तिवारी को बाहर निकालने के लिए। उसने मेरे बेटे की लाइफ बर्बाद करी है, मैं उसकी लाइफ बर्बाद कर दूंगी। उस मिडिल क्लास मुकुंद तिवारी और उसकी बेटी को अपनी लाइफ से बाहर निकाल के दिखाऊंगी। चाहती ना तो ये रिकॉर्डिंग यहाँ बंद कमरे में नहीं सबके सामने दिखा सकती थी, खासकर ऋत्विक को, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया और ना ही मैं ऐसा कभी करूंगी। जानती है क्यों? क्योंकि मैं एक माँ और बेटे के बीच में दूरियां नहीं पैदा करना चाहती, क्योंकि मैं ऋत्विक को बहुत अच्छे से जानती हूँ। अगर उसने आपका ये
गिरा हुआ रूप देख लिया ना, चला जाएगा वो आपको छोड़ के, हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा आपसे। और आप कहती है कि मैं चाले चल रही हूं, पहले आप ये मेडिसिन लेकर आ जाइए। ठीक है, मैं लेके आता हूँ। डॉक्टर, सब ठीक तो है ना? कोई टेंशन की बात तो नहीं है? देखिए, माइनर हार्ट अटैक आया है। हार्ट अटैक, इसलिए इनका खास ध्यान रखना होगा आप लोगों को, ताकि आगे कोई परेशानी ना हो, और जितना हो सके खुश रखिए इनको, किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। परमार्स के घर में दीवार इसका खून नहीं, नहीं इस जन्म में तो नहीं, नहीं नहीं। अगर नव्या के मां ना बन पाने वाली बात का ये असर हुआ है, तो तब क्या होगा जब बीडी को पता चलेगा कि अक्की प्रेग्नेंट? यही आपकी दोस्ती? हाँ, जरा सी मुसीबत आई नहीं कि दोस्त को छोड़ के चल दिए। अरे किस दोस्ती की बात कर रही हैं आप? किस दोस्ती की बात? वो दोस्ती जो शुरू होते ही आपने बर्बाद कर दी, सब कुछ खत्म कर दिया आपने। देखिए, अब इस दोस्ती की ना तो मुझे जरूरत है और ना इस दोस्ती का कोई भविष्य है। मुझे रोकने की कोशिश मत करना, हाथ जोड़ता हूं आपके, चले जाइए यहां से। नव्या को लेकर और भरत को लेकर हमेशा हमेशा के लिए यहां से दूर जा रहा हूं। आप यहां से कहीं नहीं जा सकते। सुना आपने, बीदी को माइनर हार्ट अटैक आया है, और ऐसे में अगर नव्या यहां से चली गई तो? मैं जानता था यही होगा, मैं जानता था। इसलिए मैं चाहता था कि नव्या की जब भी शादी हो, जब भी अपने ससुराल जाए, तो सच्चाई के साथ जाए, उसके ससुराल वाले उसकी कमियों उसकी खूबियों के साथ में उसको स्वीकार करें। लेकिन आपने आपने सब कुछ भगवान भरोसे छोड़ दिया। आपने सिर्फ मुझे धोखा नहीं दिया मीरा जी, आपने हम सबको धोखा दिया है। ये सब कुछ जो हो रहा है ना, इस सब की जिम्मेदार आप, और आपकी वजह से नव्या को सब कुछ सुनना पड़ रहा है, सबके ताने सुनने पड़ रहे हैं। लेकिन अब मैं नव्या को और दुखी नहीं देख सकता। मैं हमेशा हमेशा के लिए यहां से दूर जा रहा हूं उसको लेकर, समझिए आप। कहां चली गई है नव्या? तुम हो ना मेरे बच्चे, हाँ? जब तुम हो मेरे पास में, तो फिर मैं बाज कैसे हुई? नहीं हूं मैं बाज। क्या लगता है आपको
अंदाजा है एक बार भी कि कैसे जी रही हूँ मैं, कैसा लग रहा है मुझे। बीडी हमारी शादी तोड़ देना चाहती है। ऊपर से आदि ने तंग करके रखा हुआ है, ऊपर से अब की प्रेग्नेंट है, और अब ये नव्या का ये बाल झड़ने वाला इशू। आपको क्या लगता है, मुझे बहुत मजा आ रहा है ना? हाँ बहुत मजा आ रहा है मुझे। आप जितने परेशान है ना उतनी परेशान मैं भी हूं मिस्टर मुकुंद, लेकिन मैं फेस कर रही हूं ना सिचुएशन को, मुंह नहीं फेर रही ना जिंदगी से। तो जब मैं फेस कर सकती हूँ तो फिर आप क्यों नहीं कर सकते? आप कैसे इस तरीके से यूं मुंह फेर के जा सकते हैं? एक मिनट, आपने क्या कहा बीच में? अक्की प्रेग्नेंट है? अक्की प्रेग्नेंट है? मीरा जी कुछ पूछ रहा हूं मैं आपसे, क्या अक्की प्रेग्नेंट है? मीरा जी मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं। तो इसलिए आप आदि को इस घर से जाने से रोक रही हैं, यही बात है ना? बोलिए मीरा जी, जवाब दीजिए। हाँ हाँ, अक्की आदि की वजह से प्रेग्नेंट है, और मैं अक्की की जिंदगी बर्बाद होने से बचाना चाहती हूँ, और इसीलिए मैं आदि को रोक रही थी, और मेरे लिए ये करना जरूरी था। और वो ब्लड रिपोर्ट भी अक्की की थी, है ना? हाँ, और आदि इसी बात का फायदा उठा रहा। ये सब कुछ आपकी वजह से हो रहा है मीरा जी। आदि ये जो कुछ कर रहा है ना, सिर्फ आपकी वजह से। और नव्या की छूटी रिपोर्ट भी उसने इसलिए बनवाई है। अरे एक बात बताइए, अक्की प्रेग्नेंट है ये बात आपने देविका जी को बताई है नहीं? नव्या, नव्या प्लीज अंदर चलो, मॉम की बातों का बुरा मत मानो, भूल जाओ सब कुछ, तुम तो जानती हो उन्हें। कितनी आसानी से कह दिया ना तुमने, भूल जाओ सब कुछ। हाँ जो मेरी इंसल्ट हुई ना ऋत्विक, उसकी जिम्मेदार कहीं ना कहीं तुम भी हो, सब पता था तुम्हें, फिर तुमने देविका जी को क्यों नहीं बताया? हाँ पता था मुझे, लेकिन ये नहीं पता था कि इतना बड़ा इशू बन जाएगा ना। फिर तुम तो जानती हो मुझे, मुझे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम काफी हो नव्या मेरे लिए, हमारे बीच किसी तीसरे की जरूरत नहीं है मुझे, शायद इसीलिए मॉम को बताना जरूरी नहीं समझा मैंने। नहीं और ना ही बता सकती हूँ, क्योंकि अगर उन्हें पता चल जाता ना तो वो बच्चा अबॉर्ट करवा देती, और अब तुम भूल के भी नहीं बता सकती, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि बीडी को माइनर हार्ट अटैक आया है, और डॉक्टर ने कहा है कि उन्हें किसी भी तरीके का टेंशन नहीं देना है, इसलिए मैं भूल के भी ये बात उन्हें नहीं बता सकती। और जितनी चिंता मुझे नव्या की इज्जत की है ना, उतनी चिंता अक्की की इज्जत की भी है, इसलिए मैं ये सच इस वक्त नहीं बता सकती। मेरी किस्मत ही खराब है, पहले बुआ थी जिनकी वजह से मेरी जिंदगी में मुझे इतना कुछ सहना पड़ा, कितने ब्लेम्स इंसल्ट बेइज्जती, अगर मैं मां नहीं बन सकती तो मेरी क्या गलती है ऋत्विक? माँ ने अगर मुझे ऐसा ही बनाया तो उसमें मेरा क्या कसूर है, क्या करूं मैं? पर तो देविका जी भी गलत नहीं है, ऊपर मां शांति की एक बारिश चाहती है, इस सच को नहीं सह पाएगी कि मैं कभी तुम्हारे बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। सारे फसाद के डर से मैं मुझे चले जाना चाहिए। क्या मजाक बना रखा है तुमने, बात बात पे चली जाऊंगी चली जाऊंगी। नव्या शादी हुई है हमारी, नव्या पति पत्नी है, हम कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है ये। मुझे नहीं पता ऋत्विक, मुझे इस वक्त कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे खुद के लिए थोड़ा वक्त चाहिए, तुम जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो, प्लीज लीव मी अलोन।
कहीं नहीं जाएगा। बस मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए, मैं सब ठीक कर दूंगी। फिर एक झूठ। एक बात आपसे कहूं मीरा जी, सच्चाई के रास्ते पर चलना ना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन कामयाबी की मंजिल सच्चाई के रास्ते पर चलकर ही मिलती है। आज आपने फिर से साबित कर दिया कि आप रेणुका नहीं हो सकती।